हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दी चैनल गाइज। मेरा नाम है पारस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जिसने लास्ट वीडियो पे कमेंट्स किए थे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपने किए हैं और ऐसे ही वीडियो पे कमेंट करते रहा करो, काफी अच्छा लगता है। और आज है सैटरडे, दो तीन दिन के बाद आ रहा है व्लॉग। तो आज सैटरडे है, मैं जाने वाला हूँ अभी शनि मंदिर, हमारे घर से थोड़ा दूर है, मतलब 25-30 मिनट का रास्ता है। तो सैटरडे को, जैसे कि आपको पता है, शनिदेव जी का दिन होता है, तो मैं नरेंद्र को अपने दोस्त को लेके जा रहा हूँ। नरेंद्र राणा उसका, शॉर्ट में मैं उसको राणा बोल लेता हूँ, जो मेरा जिम पार्टनर है, आपने वीडियोस में देखा होगा उसको जिम वाली वीडियोस में। तो अभी मैं उसको पिक करके निकलता हूँ, फिर हम दोनों जाएंगे शनि मंदिर और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। सैटरडे को वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है शनि मंदिर में, और व्यू बहुत अच्छा है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं जल्दी से आपको मंदिर पहुंच के, बाय। सो गाइज, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ राणा को पिक करने के लिए। उसके घर पहुंचता हूँ उसको पिक करके और निकलते हैं फिर मंदिर चलने के लिए। सो गाइज, मैंने राणा को पिक कर लिया और अब हम जा रहे हैं शनिधाम। ये है मेरा दोस्त और अब आपको शनिधाम पहुंच के मिलते हैं भाई। सो गाइज, हम शनिधाम पहुंच चुके हैं और ये भीड़ देख सकते हैं, हमें गाड़ियां की पूरी लाइन लगी हुई है भाई, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। गाइस, पहले हम अंदर जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पे नीचे जाके। यहाँ का भी बहुत अच्छा लुक आता है नीचे जमुना का, यहाँ का लुक बहुत प्यारा है। ये जो आपको यहाँ पे रास्ता दिख रहा है ना सामने, ये वाला रास्ता, तो यहाँ पे जाके दिखाएंगे, पहले अंदर आपको दर्शन करा देते हैं। चलते हैं भाई अंदर, भैया एंट्री गेट, पहले शूज वगैरह उतार देते हैं फिर दिखाते हैं अंदर चल के आपको। शूज उतार दिए यहाँ पे। सो दोस्तों, बैकग्राउंड का जो आवाज़ें आ रही है, शोर आ रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर करना, आप बस व्यू पे फोकस करो, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे जो आए हुए हैं दर्शन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और ये मूर्ति देखो आप, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। भैया जा रहा है नरेंद्र आगे, करते हैं दर्शन फिर भाई, बहुत प्यारा व्यू आता है। अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारा व्यू है यार, बहुत प्यारा। चलते हैं दर्शन कर लेते हैं पहले। सो दोस्तों, ये जो आपको ब्लैक कलर का पत्थर दिख रहा है, मेन चीज यहाँ पे यही है, पहले सबसे पहले यहाँ पे ये पत्थर ही था, ये बाद में मूर्तियां वगैरह बाद में बनी है। तो अभी पहले हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ हर चीज़। और मेन चीज़ यहाँ पे ये होती है, ये जो तेल लेके आते हैं लोग, वो यहाँ पे शिला है जो ये इस पे चढ़ाते हैं। और ये देखो वाइट कलर का शिवलिंग। अभी आवाज़ें यहाँ पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि काम चल रहा है और लोग फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करके जाएंगे, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ का। तो गाइस, दर्शन कर लिया है हमने, अब आपको और चीज़ें दिखाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे। एक व्यू देख रहे हो, बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ का, देखो पूरा फुल ऑफ ग्रीनरी वाला व्यू है। और आप कहीं आसपास से रहते हैं अगर यहीं पे कहीं, तो यहाँ पे जरूर आना, अभी थोड़ा काम चल रहा है यार यहाँ पे ना। भैया अगर आपको बहुत बढ़िया व्यू देखने आना है ना, तो यहाँ पे जरूर आना, दर्शन के दर्शन हो जाएंगे और बहुत प्यारा व्यू आता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आप जरूर आना भाई यहाँ पे, अगर आप यहाँ आसपास से हैं कहीं, या अगर आप दूर से भी हैं कहीं आना चाहते हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आप कहीं नेट पे भी सर्च कर सकते हैं शनिधाम के बारे में। भाई ये सामने जहाँ पे कारपेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे लोग जाते हैं पंडित जी से मिलने, जो बहुत मतलब जिनके उसमें शनि दोष होता है, तो पंडित जी बैठते हैं यहाँ पे उपाय करने के लिए, तो इस वजह से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है, अंदर जाके दर्शन करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे।
सो गाइज अभी लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और पंडित जी टीका और प्रसाद वगैरह दे रहे हैं, तो प्रसाद वगैरह लेके बाहर निकलते हैं यहाँ से। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये लगती है, ये वॉल देखो आप, यहाँ पे शनि देव जी के फेस वाली टाइल्स से बना हुआ है पूरा, और ये है वो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे गुरुजी बैठते हैं और लोग ये सब उनके वेट में बैठे हैं उनसे मिलने के लिए। भाई ये देख रहे हो आप भीड़ में, जब मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में बहुत भीड़ रहती है, देखो कितनी दूर दूर से लोग आए हैं। और गाइज यहाँ पे है एक गार्डन टाइप का, ये रास्ता बना हुआ है देखो, किसी को अगर शांति से बैठना हो आराम से, इधर कैंटीन भी है। अब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं तो भाई उन्हें कुछ खाना भी होगा, तो कैंटीन भी है यहाँ पे। भाई शांति बहुत मिलती है लेकिन यहाँ आके, भाई दर्शन हो गए और अब निकल रहे हैं हम दोनों यहाँ से। अब ये एक चीज़ बता रहा है आगे जाके कि वहाँ का बहुत अच्छा व्यू आता है, वहाँ पे देख लेते हैं एक बार थोड़ी देर वहाँ देख के, और निकलते हैं फिर यहाँ से क्योंकि जिम भी जाना है भाई। सैटरडे बढ़िया बन गया भाई यहाँ पे आके। सो गाइस अपने शूज़ वगैरह पहन लेते हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम भाई दर्शन करके मज़ा आ गया, आप कमेंट सेक्शन में बताना व्यू कैसा लगा आपको। सो दोस्तों यह है नीचे जाने का रास्ता। तो गाइस मंदिर से हम आ चुके हैं और यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको, पूरा ग्रीनरी वाला व्यू है यहाँ का, शूटिंग भी कर सकते हैं आगे भाई, और यहाँ से पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्यू कैसा लगा आपको। भाई हमारा तो सैटरडे बढ़िया बन गया यहाँ के, भाई सुबह से सोच रहा था आने की सुबह से, लेकिन भाई को भी बोल रहा था, उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था, उसको नहीं लेके आ पाया। मैंने कहा राणा को ले आ लेता हूँ, इसको कॉल किया भाई, इसने बोल दिया मैं चल लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, दोनों भाई चल लेंगे। वैसे भी इसके बाद हमें जाना है जिम, क्या करना है हमें लेग्स, भाई लेग्स वर्कआउट करना है आज। मंदिर में दर्शन करने के बाद बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं इसके बाद, ये देखो भाई भाई फोटो शूट चल रहा है लोगों का बढ़िया करके। व्यू सच में बहुत प्यारा है यार, मिला भाई जादुई पत्थर, भाई जादुई पत्थर मिल गया, वो देख तो देख ना भाई, पत्थर देखो कितना सेक्सी मिला। अबे घर लेके चलेंगे इसे, दिखा ये दिखा 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 ना ऐसे करके दिखा, और ये पत्थर उसे मिलेगा जो बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर होगा। सेक्सी है यार, सेक्सी पत्थर है एकदम। ओ भाई गिर ना जाइयो, चला जाओ और आगे चला जा, अभी नहीं गिरेगा और नीचे कर। अरे भाई कुछ नहीं होता, बहुत हो गया। चल रहे भाई अब गाइस घर चलते हैं यहाँ से, भाई जिम भी जाना है क्योंकि अभी हमें लेट हो रहे ना जिम के लिए, इसलिए बोल रहा बार बार। तो गाइस दर्शन वगैरह सब हो गए हैं, व्यू वगैरह आपको सारा दिखा दिया, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से घर जाने के लिए, निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ भाई एक दिन हम भी लेंगे, बुलेट नहीं लेंगे हम, कावासाकी लेंगे। अरे बुलेट बुलेट नहीं, कावासाकी लेंगे भाई, कोई नहीं तू बुलेट ले ली उसी पे घूम लेंगे। बुलेट इमोशन है, इमोशन। जय हो शनि देव की। भाई भाई हम लोग निकल चुके हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं देखो। हेलो गाइस, अरे भाई भैया भैया पूरी वो कर रहे, भाई सब्सक्राइबर थे वो भैया, जानने लग गए अब लोग। तो गाइस राणा के घर पहुंच चुके हैं हम, तू यहीं से चलेगा जिम, हैं? मैं इन कपड़ों में थोड़ी करूंगा जिम, तेरे को जिम छोड़ के मैं चेंज करके आ लूंगा, तू आ रहा भी जल्दी आ जाते पहले, दो मिनट में आई हूँ। 2000 years later. तो गाइस अभी आ चुके हैं हम जिम, ये जिम आया है डायरेक्ट, मैं जाऊंगा घर पे, पहले मैं आऊंगा भाई चेंज करके, तू जाके थोड़ा वार्म अप कर, मैं आ रहा। सो गाइस घर पे आके मैंने चेंज वगैरह कर लिया है पूरा,
और टाइसन और बेबो की वॉक भी करा दी है, और शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि लेट हो रहा हूँ, जल्दी जल्दी में मैंने चेंज वगैरह उनकी वॉक वगैरह कंप्लीट कराई। अब बस जा रहा हूँ जिम, नरेंद्र वेट कर रहा है, राणा के फोन आ रहे हैं मेरे को बार बार, तो जल्दी से आपको जिम में चल के मिलता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, लेग्स वर्कआउट करना है, तो मिलता हूँ जल्दी से। गाइस जिम से घर आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, ब्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाया, घर पे आने के बाद सिर्फ डिनर किया मैंने, और डिनर वगैरह करने के बाद बस अब बेड पे आ चुका हूँ। तो अब सिर्फ एक काम बचता है मेरे पास, मेरे को सिर्फ ब्लॉग एडिट करना है और उसके बाद सिर्फ सो जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट अच्छा सा ज़रूर करके जाना, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय।